नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने CG व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे आपात उपबंध के ऊपर। आपात उपबंध, आपात उपबंध का वर्णन संविधान के भाग 18 में दिया गया है। कहाँ दिया गया है? संविधान के भाग 18 में। और ये आपात उपबंध किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से। कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल होते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, संविधानिक आपातकाल या फिर राज्य का आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, जिसमें से जो पहले दो हैं राष्ट्रीय आपातकाल और संविधानिक आपातकाल, ये दोनों जर्मनी से लिए गए हैं। लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है हम लोग का, वो लिया गया है USA से, यानी कि अमेरिका से। ठीक है, तो तीनों जो आपातकाल है उसको हम देखते हैं लाइन से, ताकि इसके बारे में हमें जानकारी हो जाए कि इसकी अवधि क्या होती है, इसका अनुमोदन कैसे होता है, कौन से अनुच्छेद में इसका वर्णन है, ठीक है, इसका प्रभाव क्या क्या होता है। तो इन तीनों को हम जान लेते हैं। ठीक, फर्स्ट में आएगा नेशनल इमरजेंसी, यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है संवैधानिक आपातकाल या फिर राष्ट्रपति शासन। ठीक है, प्रेसिडेंशियल रूल। उसके बाद आता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, क्या आता है उसके बाद? फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक, तो ये 3 प्रकार के आपातकाल हो गए, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। ठीक, तो राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन कहाँ है? अनुच्छेद 352 में। कहाँ है? अनुच्छेद 352 में। उसके बाद जो राष्ट्रपति शासन है यानी कि संवैधानिक आपातकाल, उसका वर्णन कहाँ है? उसका वर्णन है 356 में। इसके साथ ही वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल का वर्णन कहाँ है? 360 में। ठीक है, तो तीनों का अनुच्छेद देख लेते हैं, 352, 356, 360, चार चार का गैप है, 52, 56, 60। ठीक, भाग कौन से में मैंने बताया था? भाग 18 में। ठीक, तो इन तीनों का अनुच्छेद याद रहेगा आपको। ठीक है, और किसके किसके आधार पर ये आपातकाल लगाए जाते हैं? तो जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो 3 आधारों पर लगाया जाता है। ठीक है, पहला क्या है? जब युद्ध की आशंका हो, पहला युद्ध। दूसरा है बाह्य आक्रमण। ठीक है, कि कोई दूसरा देश जब हम पर आक्रमण कर देता है तो बाह्य आक्रमण के आधार पर भी राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। इसके साथ ही सशस्त्र विद्रोह। ठीक, क्या है? सशस्त्र विद्रोह। इस सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया। पहले क्या था इसकी जगह में? आंतरिक गड़बड़ी, जबकि उसका अच्छे से उसको परिभाषित नहीं किया गया था कि आंतरिक गड़बड़ी में क्या क्या चीज़ होता है, तो उसको फिर 44वें संविधान संशोधन के तहत चेंज करके क्या किए? सशस्त्र विद्रोह। ठीक है, उसी प्रकार जब राष्ट्रपति शासन किस आधार पर लगाया जाता है? जब राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाए। क्या हो जाए? राज्य में संवैधानिक विफलता हो जाए। ठीक, और इसके साथ ही जब राज्य केंद्र की आदेश की अवहेलना करता है तो भी राज्यपाल के अनुमोदन पर राष्ट्रपति वहाँ उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ठीक है, जब राज्य जो है वो केंद्र का आदेश ना माने तो भी। ठीक, और उसी प्रकार जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो यदि राष्ट्रपति को लगे कि वित्तीय संकट है। ठीक, वित्तीय संकट है तो फिर क्या लगा सकता है? वो वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
फिर से इसको तीन कैटेगरी में बांट लेंगे, ठीक। तो ये जो राष्ट्रीय आपातकाल, मैं पहले इसको एक एक करके बता देती हूँ, ठीक। पहले सबसे पहले देख लेते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक। तीन आधारों पर बताया था कि युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, ठीक। तो ये किसके सलाह पर लगाया जाता है? तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। किसकी? तो मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर, ना कि मौखिक, ठीक। ऐसा मूल संविधान में नहीं था। मूल संविधान में क्या था? केवल प्रधानमंत्री के कहने मात्र से ही आपातकाल की घोषणा कर सकता था राष्ट्रपति। लेकिन इसको ना 44वां संविधान संशोधन के तहत चेंज करके क्या किया गया कि मंत्रिमंडल की लिखित सलाह होनी चाहिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए। इसके लिए अनुमोदन जो चाहिए संसद से, वो कितने समय? तो एक माह के अंतर्गत इसको अनुमोदित कर देना चाहिए। पहले क्या था? तो पहले 2 माह था, लेकिन अभी क्या है? अभी सिर्फ 1 माह है, ठीक। इसे साथ ही विशेष बहुमत से इसे पारित किया जाता है। कुल का साधारण बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत से इसको क्या किया जाता है? पारित किया जाता है, ठीक है। इसकी अवधि क्या होती है? तो अवधि अनिश्चितकाल तक होती है, लेकिन हर 6 माह में अनुमति लेनी पड़ती है इसको आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे जैसे इस एक्सटेंड करना है, उसको हर 6 माह में अनुमति लेनी पड़ेगी, ठीक है। और इसी प्रकार करते करते अनिश्चित काल तक नेशनल इमरजेंसी को लगाया जा सकता है, ठीक है। इसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव जो है राज्य पर जब पड़ता है तो क्या होता है कि राज्य सरकारें बनी रहती है, केवल राष्ट्रपति के आदेश पर वो कार्य करती है, ठीक है। इसमें जो राज्य सरकार जो होता है वो भंग नहीं होता, केवल उसको राष्ट्रपति के आदेश से काम करना पड़ता है। और लोकसभा पर क्या प्रभाव पड़ता है कि एक बार में 1 वर्ष के लिए उसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लोकसभा की अवधि को, उसके कार्यकाल को एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ऐसा कई बार किया जा सकता है, ठीक है। इसके साथ ही मौलिक अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अनुच्छेद 358 के तहत जो है ना, अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जो हमको वाक्य एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो स्वतः ही समाप्त हो जाता है। किसके तहत? तो 358 के तहत समाप्त हो जाता है। लेकिन 359 के तहत जो है वो बाकी अधिकार राष्ट्रपति की घोषणा के बाद निलंबित होते हैं, लेकिन किसको छोड़कर? अनुच्छेद 20 व 21 को छोड़कर। ये अधिकार जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होते। इसके साथ ही जो बाकी अधिकार रहेंगे हमारे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का, लोक नियोजन में समानता का, ठीक, बाकी जो है उसको 359 के तहत राष्ट्रपति जो है वो निलंबित करता है। सबसे पहले कौन स्वतः निलंबित होगा 358 के तहत? तो वो है अनुच्छेद 19 और 20-21 को छोड़कर बाकी को निलंबित करने के लिए राष्ट्रपति घोषणा करता है, ठीक है। अभी तक कितने बार नेशनल इमरजेंसी लगाया जा चुका है? तो 3 बार। कितने बार? तो 3 बार। पहला कब लगाया गया था? तो 1962 में। कब? जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था ना, तब। फिर दूसरा लगाया गया 1971 में, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब। और तीसरा लगाया गया था 1975 में, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर। फिर इसी के बाद जब 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इस आंतरिक गड़बड़ी को चेंज करके सशस्त्र विद्रोह का नाम दिया गया, ठीक। सॉरी, फिर आगे देखते हैं सेकेंड नंबर का, राष्ट्रपति शासन, ठीक। तो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख कहाँ है? 356 में। कैसे लगाया जाता है? जब राज्य में संवैधानिक विफलता हो, राज्य केंद्र की आदेश की अवहेलना करे, तब क्या है वहाँ राष्ट्रपति शासन लग सकता है। किसके सलाह पर? तो राज्यपाल के रिपोर्ट पर, या फिर राज्यपाल के रिपोर्ट के बिना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। रिपोर्ट कौन करता है राष्ट्रपति को? तो राज्यपाल करता है। इसका अनुमोदन संसद से कितना माह? तो 2 माह। नेशनल इमरजेंसी का कितना था? तो 1 माह था, ठीक है। इसे पारित करने के लिए बहुमत? तो साधारण बहुमत लगता है, इसके लिए कोई विशेष बहुमत नहीं है, ठीक है। साधारण बहुमत से इसे पारित कर सकते हैं। इसका साथ ही इसकी अवधि क्या होती है? तो 1 साल तक या फिर 3 साल तक, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल या फिर 3 साल, ठीक। 3 साल तक कब? जब वहाँ चुनाव संभव ना हो। देश में अगर नेशनल इमरजेंसी भी लगा है तो 3 साल तक हो सकता है, वरना 1 साल तक ही राष्ट्रपति शासन लगा रह सकते हैं, ठीक है। इसको हर 6 माह में संसद से पास कराना पड़ता है। इसका प्रभाव क्या क्या होगा?
प्रभाव राज्य सरकार में होगा कि राज्य सरकार निलंबित रहेगी, ना कि भंग। ठीक, मैं क्या बोल रही हूँ, निलंबित रहेगी। ठीक है, राज्य सरकारें जो है निलंबित रहेगी, वहाँ का शासन राष्ट्रपति उस राज्य के राज्यपाल व मुख्य सचिव की सहायता से करता है। ठीक, इसमें लोकसभा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और मौलिक अधिकार पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो अभी तक कितने बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है, तो वो है 128 बार। ठीक है, अभी इससे ये शायद ये डेटा बढ़ चुका होगा, मैं आपको अपडेट कर दूँगी। सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था, तो 1951 में पंजाब में लगाया गया था, पंजाब में लगाया गया था भार्गव मंत्रिमंडल के खिलाफ। ठीक, सर्वाधिक बार कहाँ कहाँ लगा है, तो एक केरल में लगा है और एक पंजाब में लगा है। ठीक है, ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ अभी तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ, तो वो है हमारा छत्तीसगढ़। यहाँ एक भी बार राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे लंबा कहाँ लगा था, तो सबसे लंबा भी पंजाब में लगा था। ठीक, सबसे पहला राष्ट्रपति शासन बोलेंगे और सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन बोलेंगे तो कहाँ लगा था, तो वो पंजाब में लगा था। ठीक, इसके बाद देखते हैं वित्तीय आपातकाल। तीसरा क्या था हमारा, वित्तीय आपातकाल। ठीक, इसका वर्णन कहाँ है, 360 में है। ठीक, जब राष्ट्रपति को लगता है कि देश में जो है वित्तीय संकट है, तब तो वह वित्तीय आपातकाल लगा सकता है। ठीक, इस किसके सलाह पर, तो राष्ट्रपति की व्यक्तिगत संतुष्टि के आधार पर। ये क्या है, स्वविवेक है। ठीक, अनुमोदन कहाँ लगता है, तो 2 माह। ठीक, तो शुरू से क्या हुआ, 1, 2, 2 नेशनल इमरजेंसी के लिए था, या प्रेजिडेंशियल रूल के लिए था, और ये क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, और इसके लिए भी साधारण बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले में से 50%+1 इसे पारित किया जाता है। ठीक है, अनिश्चितकाल तक लगाया जा सकता है वित्तीय आपातकाल, और 6 माह में अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। बाकी उन दोनों में हर 6 माह में अनुमति लेना पड़ता है, लेकिन फाइनेंशियल इमरजेंसी में हर 6 माह में अनुमति लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसका प्रभाव क्या होता है कि राज्य सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, केवल मतलब इसमें क्या है, किसी के भी वेतन और भत्ते में कटौती की जा सकती है। ठीक, लोकसभा में इसका कोई प्रभाव पड़ता है ना ही मौलिक अधिकार में। ठीक है, और अभी तक भारत में जो है वो वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगा है। ठीक है, एक बार भी क्या नहीं लगा है, वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। इसके साथ ही कुछ और चीज़ें हैं जिसको देख लेते हैं। ठीक, तो राष्ट्रीय आपातकाल में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, तो इसका न्यायिक प्राविधान क्या था, 38वें संविधान संशोधन 1975 के तहत जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के बाहर रखा गया था, न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था। लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ, तो इसके तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया। 38 में इसको समाप्त बाहर रखा गया था, लेकिन 44वें में क्या किया, इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया था। ठीक है, इसकी स्वीकृति तो मैंने बता दी कि घोषणा की तिथि से 1 माह के भीतर संसद से अनुमति लेना आवश्यक है। पहले क्या था, वो 2 माह था, लेकिन अब क्या है, 1 माह। ठीक है, अनुमोदन भी बता दिया कि 1 माह के भीतर विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ठीक है, जो उस सदन के कुल सदस्यों का क्या हो, बहुमत हो। आपातकाल की समाप्ति कैसे होती है, तो इसकी समाप्ति देखते हैं। यदि लोकसभा के 1/10 सदस्य जो हैं वो लिखित सूचना देवे, तो आपातकाल पर विचार करने के लिए लोकसभा की विशेष बैठक आहूत की जाएगी। इसके साथ ही यदि लोकसभा सत्र में है, तो 1/10 सदस्य लिखित रूप में लोकसभा अध्यक्ष से अनुरोध कर सदन में आपातकाल पर चर्चा कर सकते हैं। इसके साथ ही एक चीज़ और, कि यदि लोकसभा सत्र में नहीं है, ये क्या बोली, मैं लोकसभा सत्र में है, और जब लोकसभा सत्र में नहीं है, तो 1/10 सदस्य लिखित रूप में आपातकाल पर विचार करने हेतु लोकसभा के विशेष बैठक बुलाने का अनुरोध राष्ट्रपति से कर सकती। इसमें किससे किया था, लोकसभा अध्यक्ष से, लोकसभा अध्यक्ष से जब सत्र में था तब, और जब सत्र में नहीं रहेगा तब किससे करेंगे, राष्ट्रपति से करेंगे। ठीक, और संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। ठीक है, राज्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, कि राज्य की जो कार्यपालिका है वो निलंबित नहीं होती है,
लेकिन केंद्रीय कार्यपालिका के निर्देशानुसार कार्य करती है। ठीक, मतलब जो राज्य सरकारें हैं वो पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में रहती है, तो केंद्र के नियंत्रण में रहती है। ठीक है, और राष्ट्रपति जो है वो राज्य की कोई भी कार्यपालिका शक्ति है उसको अपने हाथ में ले सकता है। इसके साथ ही राज्यों के लिए कानून निर्माण की शक्ति केंद्रीय संसद अपने हाथों में ले सकती है। मतलब राज्य सूची की जो विषय है उस पर कानून कौन बना सकता है, तो वो केंद्र बना सकता है, लेकिन कब, जब नेशनल इमरजेंसी लगा हो तब। ठीक है, इसके साथ ही राष्ट्रपति जो है वो केंद्र सरकार के बीच राजस्व व वित्तीय संसाधनों के आवंटन का पुनर्वितरण कर सकता है। यदि सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश भी जारी कर सकता है। ठीक है, इसके साथ ही देखते हैं राष्ट्रपति शासन में। राष्ट्रपति शासन, इसका उपनाम क्या है, संवैधानिक संकट या राज्य आपातकाल। प्रावधान किस में दिए गए हैं, तो 356 में। इसकी उद्घोषणा कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। ठीक है, सलाह, मंत्रिमंडल की सलाह लेता है। राष्ट्रपति ऐसे परामर्श पर मंत्रिमंडल को एक बार पुनर्विचार के लिए कह सकता है। ठीक है, एक बार क्या कह सकता है, पुनर्विचार के लिए कह सकता है। और न्यायिक प्रावधान क्या है, तो 38वें संविधान संशोधन 1975 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया था, लेकिन जब 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ तो इसके तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा की न्यायिक समीक्षा के दायरे में रखा गया। ठीक है, इसमें भी नेशनल इमरजेंसी जैसा ही है। ठीक, इसकी स्वीकृति तो मैंने बता दी कि 2 माह में इसको संसद से अनुमोदित होना चाहिए, और संसद एक बार अनुमोदन से 6 माह तक जारी रहेगा, और आगे बढ़ाने के लिए फिर 6 माह में फिर अनुमोदन या फिर अनुमति देना पड़ेगा। तो ऐसे 6-6 माह करके कितना टाइम तक लगा सकते हैं, 1 साल से 3 साल के बीच तक। ठीक, और यदि अनुमोदन के समय लोकसभा विघटित हो जाए तो क्या होगा, तो क्या होगा, संवैधानिक संकट की घोषणा को जारी करने के लिए राज्यसभा जो है वो स्वीकृति दे सकती है। अगर लोकसभा जो है वो विघटित हो जाए तो राज्यसभा जो है वो स्वीकृति दे सकती है। और राष्ट्रपति शासन की घोषणा के समय यदि लोकसभा विघटित हो जाए तथा राज्यसभा स्वीकृत हो, तो लोकसभा के नव निर्वाचन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिवस के भीतर घोषणा को जारी रखने के लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। इसके साथ ही क्या, एक चीज़ और, कि जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा के समय दोनों सदनों की स्वीकृति मिल गई है, दोनों सदन मतलब लोकसभा भी और राज्यसभा भी, लेकिन 6 माह की अवधि बढ़ाने के समय यदि लोकसभा विघटित हो जाती है, एक बार तो लगा दिए लेकिन और जब आगे बढ़ाना है अगले 6 माह में, हर 6 माह में अनुमति लेना पड़ता है ना, अगर उस समय लोकसभा विघटित हो जाती है तो यह जो घोषणा है वो नव निर्वाचन के बाद लोकसभा की पहली बैठक से 30 दिवस के भीतर घोषणा को जारी रखने के लिए लोकसभा की स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, और आपातकाल की समाप्ति कैसे हो सकता है, यह संसद की साधारण बहुमत से वापस लिया जा सकता है, इसे राष्ट्रपति स्वयं भी वापस ले सकता है। ठीक है, एक चीज़ नोट कर सकते हैं आप कि जो संविधान में है वहाँ जो राष्ट्रीय आपातकाल हम लोग बोल रहे हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, इसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ किया गया है संविधान में, तो संविधान में यूज़ किया गया है आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की घोषणा। अगर आपातकाल की घोषणा संविधान में लिखा है, इसका मतलब क्या है कि राष्ट्रीय आपातकाल या नेशनल इमरजेंसी लगाना है। ठीक है, इसी शब्द का प्रयोग है संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। और एक चीज़ तो मैंने बताया ही था कि वित्तीय आपातकाल जो है वो USA से लिया गया है, बाकी जो 2 आपातकाल है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो जर्मनी से लिया गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। आप ये वीडियो दोबारा देखिए ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए कि किस आपातकाल के अनुमोदन का समय कितना है, किससे सलाह लेकर वो लगाया जाता है, इसका प्रभाव लोकसभा पर या फिर मौलिक अधिकार पर क्या क्या पड़ता है, कहाँ से लिया गया है इसको, तो इसको आप 2 बार देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।